हेलो नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन मेंटर पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी मैथ्स की क्लास नंबर 2 है जो कि हम यहाँ पे संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। तो पार्ट नंबर 1 में हमने देखा कि कैसे नंबर्स का क्लासिफिकेशन होता है, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, हिंदी में बात करें तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। हमने उन सब पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए। आगे जो क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है वो अगली वीडियोस में भी करेंगे, बट अभी जो एक नया पार्ट इसका निकल के आता है, जो मैंने कल भी बताया था कि नंबर सिस्टम के 4 या 5 पार्ट में आएगा, तो अभी एक टॉपिक निकल के आता है, वो है विभाज्यता के नियम, मीन्स रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो किसी भी नंबर के जो डिविजिबिलिटी के रूल्स है वहां से एक क्वेश्चन जरूर निकल के आता है, तो बिल्कुल बने रहिए, इसमें देखते हैं। अभी ये व्हाट्सएप नंबर है 9121815869, इस पर व्हाट्सएप पे ज्वाइन लिख के आप मैसेज कीजिए लेखपाल के लिए। जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, पीडीएफ्स होंगी, वीडियोस के लिंक होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, वो सब आप तक पहुंच जाएंगे। एक बार मैं शेड्यूल बता दूं, सुबह 6 बजे जीएस की क्लास होती है, सुबह 7 बजे फिर हिंदी की क्लास होती है, और सुबह 8 बजे मैथ्स की क्लास होती है। तो फिलहाल जो लेखपाल में 5200 वैकेंसीज हैं उसके लिए पूरी जोरदार तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन है। डेली में 3 क्लासेस हैं, आगे चलते चलते और भी क्लासेस बढ़ेंगी। अभी आप सिलेक्शन मेंटर यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। शुरू करते हैं क्लास को। जैसा कि बताया कि विभाज्यता के हमें नियम पढ़ने हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने हैं। एक बार ओवरव्यू देखते हैं क्या है पूरी वीडियो में। हम पहले जितने भी नंबर्स हैं सबके डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, यानी विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जितने भी रूल्स हैं सारे लिखे हुए हैं आपके सामने, इनके एप्लीकेशन देखेंगे, क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आपको शो करूँ तो ये क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और भी बीच बीच में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में जिससे उन तक भी ये क्वेश्चंस पहुँच सके, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले कोई भी नंबर है हमें चेक करना है। सपोज मैंने लिखा 578, मुझे चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल यानी कि विभाजित होता है या नहीं होता है। देखिए हिंदी में उसको विभाजित बोलते हैं और इंग्लिश में डिविजिबल बोलते हैं, तो मैं दोनों चीज बोलूंगा, एक बार आप समझ लें। तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होता है आपको बताना है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होता है, उसके बाद 4 से 9 से 8 से, सारे ही नंबर से आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर्स जो डिविजिबिलिटी के रूल्स होंगे वो क्या होंगे। देखिए जैसे 2 का आता है बहुत ज़्यादा सिंपल है कि कोई भी नंबर अगर आपको चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो बहुत सिंपल सा है कि उसका जो यूनिट डिजिट नंबर होगा यानी कि इकाई का अंक कौन सा होता है, ये होता है आपका इकाई का अंक, ये होता है आपका दहाई का अंक, और ये होता है आपका 100th नंबर, ठीक है, 100वां अंक। तो जो इकाई का अंक है ये अगर सम है, सम क्या होता है मैंने कल क्लासिफिकेशन में बताया था, इवन नंबर्स, इवन नंबर होते हैं 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि 2, 4, 6, 8 में से अगर कुछ भी लास्ट में है इनमें से एक, तो वो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। बहुत सिंपल है, सबको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले एग्जांपल दे दूं इसके। जैसे लिखा है 3, 4, 7, 6, तो मतलब लास्ट में अगर 6 आ गया तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा, समझ में आया। आगे बात करते हैं कि 3 से विभाजित होने का नियम क्या होता है। अब देखिए 3 से विभाजित होने का नियम और 9 से विभाजित होने का नियम मैंने एक साथ रखा है, तो वो इसलिए रखा है क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, वो क्या है, आपको देखना है कि अंकों का योग 3 का भाग होना चाहिए, मतलब 3 से भाग हो जाना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 21, तो क्या 21 3 से कटता है, ये चेक करने के लिए मैं एक काम करूंगा, जो ये 21 है इसके अंकों का योग करूंगा मैं, अगर इसके अंकों का योग 3 से कटता है तो ये पूरा नंबर 3 से कटेगा। एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। जैसे मैंने लिया, देखिए लिखा हुआ आपके सामने 7608, यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं इसको जांचने के लिए, चेक करने के लिए बेटा यहां पे इसके अंकों का योग करेंगे हम। एक बार पेन का यहां पे कलर चेंज करते हैं, हमें इसके अंकों का योग करना है। तो अंकों का योग कितना आएगा यहां पे, देखिए चेक कीजिए, 7 और 6 13, 13 प्लस 0 13 ही होगा, और 13 प्लस 8 यहां पे बन जाएगा 21। तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 21। अब आप चेक करोगे क्या 21 3 से कटता है, तो हां 3 से कटता है, इसका मतलब पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा।
बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा 8321, क्या नंबर है 8321। कॉन्सेप्ट क्या बताया, कॉन्सेप्ट ये बताया इसके अंकों का योग चेक कर लो आप, 8+3+2+1 अंकों का योग चेक कर लो कितना आ रहा है, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14। तो क्या 14 तीन से कटता है, आप कहेंगे नहीं कटता, नहीं कटता। इसका मतलब ये जो नंबर है 8321 ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगला जो नंबर आएगा वो आएगा 9 से विभाजित होने का नियम। अब देखिए 9 से विभाजित होने का नियम मैंने क्या बताया, अभी 3 वाला नियम था कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो पूरा नंबर 3 से विभाजित होगा। अभी यहां पे बन के आएगा अगर अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो नंबर पूरा नंबर 9 से विभाजित होगा। समझ में आया, अगर पूरा नंबर 9 से विभाजित होता है तो वो नंबर 9 से विभाजित होगा। कैसे, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। पहले मैंने लिखा 9453, मुझे चेक करना है 9453 9 से विभाजित होता है या नहीं होता है। ये चेक करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसके अंकों का योग करूंगा। तो अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो पूरा नंबर 9 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए एक बार चेक करते हैं, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 3 कितना हो गया यहाँ पे, 9 और 4 13, 13 5 18 और 3 21। तो 21 आपका विभाजित हो रहा है किससे, देखिए 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप कहेंगे ये 9 से विभाजित नहीं हो रहा, तो ये पूरा नंबर 9 से विभाजित नहीं होगा। मैं लिख देता हूँ कि 9 से विभाजित नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए ये इतना बड़ा एग्जाम्पल लिखा हुआ आपके सामने 3674258 01, इसको ऐसे चेक कर लो। अच्छा ये काम कर सकते हो आप, पूरा नंबर चेक ना करके मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए 9453 था ना, एक बार फिर से इधर लिख लेते हैं। चलिए मैं कह रहा हूँ 9453, अब पूरा नंबर आप ऐड करके ऐसे ना चेक करें, एक शॉर्ट ट्रिक ये बन जाएगी ऐड करने की कि देखिए अलग अलग आप डिवाइड कर लो। जैसे ये 9 है, चलिए 9 हो गया तो 9 को आप खत्म कर दो, अब मतलब 9 को आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है, 9 से कटता है तो हो गया खत्म। उसके बाद ऐसे पेयर बनाओ जो 9 बन जाए, जैसे 4 और 5 बन गया आपका, ये 4 और 5 मिलकर 9 बनाता है, मतलब 9 से विभाजित हो गया, कट गया। अब ये 3 तो अकेला रह गया ना, मतलब ये 9 से विभाजित नहीं होगा। मैं एक और एग्जांपल की सहायता से आपको समझाता हूँ, फिर बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे 9 पे और 3 पे बेस्ड वाले, कैसे वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं आगे। जैसे मैं बात करता हूँ आपके सामने, एक नंबर लिखा मैंने 9534 6, ये लिखा है 95,346, मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर आपका 9 से विभाजित होता है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये 9 आ गया, इसको हटा दीजिए। उसके बाद 9 बनाइए आप, 5 और 4 मिलके 9 बना दिया तो इनको भी हटा दीजिए कि 9 से कट गया। उसके बाद 6 और 3 ने मिलके 9 बना दिया, इनकी पूरा कट गया, ठीक है, यानी कि ये नंबर 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अलग अलग आप इसको काट के देख लो, अगर आप टोटल भी करोगे तो भी वही बात पड़ेगी भैया, 9+5+3+4+6 जब करोगे तो 27 आएगा जोड़ के, यानी कि जो 9 से कटता है तो पूरा नंबर 9 से कटेगा। आगे बढ़े हम, तो अभी हमें 3 और 9 वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, दोनों सेम है। अगला देखेंगे, बहुत जरूरी है देखना, 4 से विभाजित होने का नियम क्या होता है। तो 4 से विभाजित होने का नियम इतना सा है कि अगर अंतिम के 2 अंक 4 से कट जाते हैं, 4 से भाग हो जाते हैं, तो पूरा नंबर आपका 4 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नीचे लिखा हुआ है, एक नंबर पढ़ लेंगे खुद से 93524। अब ये इतना बड़ा नंबर है, अगर इसके लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटती हैं तो पूरा नंबर आपका 4 से कटेगा। ठीक, तो क्या ये 4 से कटता है, बिल्कुल 4 से 24 कट जाता है, तो आपका ये क्या बन गया, पूरा नंबर आपसे 4 से विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के साथ, मैंने लिखा 84536, ये लिखा, तो क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल कटते हैं, तो पूरा नंबर आपका 4 से विभाजित हो जाएगा। इतनी बात समझ में आपको आ गई, ठीक है। चलिए जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ यहीं पे आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा 4 से विभाजित हो जाता है। ऑप्शन लिखता हूं मैं 9, 4, 8, 24, 9, 8, 3, 53,
8399335333। ठीक है, अब आप लास्ट के दो डिजिट चेक कर लोगे, जो चार से कटेगा वो पूरा नंबर चार से कटेगा। तो कौन सा कट रहा है लास्ट में जिसके 24 है, यानी कि आंसर इस कितना आ गया, एक आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि पूरा नंबर ये तभी कटेगा जब लास्ट की दो डिजिट आपकी चार से कटेंगी। अब इसी में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं। इसी क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि निम्न में से, यानी कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा आठ से विभाजित हो जाता है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, विभाजित हो जाता है। वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप बताइए कमेंट में कि निम्न में से कौन सा आठ से विभाजित हो जाएगा। उसको चेक करने के लिए हम एक बार नियम पढ़ते हैं आठ का क्या है। मैं यहीं पे आपको बता दूं, जैसे हमने किया चार वाले का नियम क्या था कि दो अंक चार से भाग होने चाहिए, मैं यहां पे लिखूंगा तीन अंक। यानी लास्ट के अगर तीन अंक आठ से विभाजित हो जाएंगे तो पूरा नंबर आपका आठ से विभाजित हो जाएगा। जैसे चेक करते हैं कि क्या 824 आठ से विभाजित होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 824 जो है वो आठ से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये पूरा नंबर आठ से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक आपका हो गया सही। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं। लिखा हुआ है मेरे सामने कि 8 से विभाजित होने का नियम होगा, अगर अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो एक बार वीडियो को थम्सअप कर दें, लाइक कर दें और लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहें। आगे देखिए, 5 से विभाजित होने का नियम तो बहुत आसान है। 5 से विभाजित होने का नियम क्या है? देखिए, यूनिट डिजिट जो होता है, इकाई का अंक, अगर वो जीरो है और पांच में से कोई एक है तो वो पांच से विभाजित हो जाएगा। जैसे ये इतना बड़ा नंबर लिखा है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, पांच, इसका मतलब ये पूरा नंबर पांच से विभाजित हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 80900, क्या ये पांच से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, लास्ट में जीरो आ रहा है तो ये पांच से कट जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे। देखिए, छह से विभाजित होने का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छह किससे मिलके बना होता है, छह मिलके बना होता है दो और तीन से। ठीक है, मुझे चेक करना है कि ये मेरा पर्टिकुलर नंबर, मान लीजिए यही वाला नंबर 6702 छह से कटता है या नहीं कटता है। तो ये जांचने के लिए, चेक करने के लिए आप मुझे कहेंगे कि मैं दो से भी चेक करूंगा और तीन से भी चेक करूंगा, तब जाके मैं बोलूंगा कि मेरा नंबर छह से कटता है या नहीं कटता है। बात समझ में आ गई? तो यानी कि इसमें दो वाले और तीन वाले दोनों ही नियम उपयोग में आएंगे। तो दो का नियम क्या होता है कि आखिरी डिजिट सम संख्या होनी चाहिए, यानी इवन नंबर होना चाहिए, और तीन का नियम क्या है कि जो अंकों का योग है वो तीन से कटना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई कि अंकों का योग जो है वो तीन से कटना चाहिए। तो आप इस नंबर को चेक करो और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये छह से कटता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल छह से कटता है, क्योंकि लास्ट की डिजिट तो आ गई आपकी सम संख्या, इवन नंबर, और पूरा नंबर क्या तीन से कट रहा है। तो आप बिल्कुल कहेंगे तीन से कट रहा है, क्योंकि 7 और 2 9 9 और 6 15, तो 15 तो तीन से कटता है। इसका मतलब 6702 आपका 6 से कट जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अभी। ठीक है, चलिए और कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सात से विभाजित होने का नियम। सात से विभाजित होने का नियम अभी पढ़ेंगे आगे। मैं एक और नियम पहले आपको पढ़ा दूं, 11 से विभाजित होने का नियम। देखिए, 11 से विभाजित होने का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको देखेंगे, फिर इन पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर सात वाला भी करेंगे। और मैं एक ओवरव्यू बताऊंगा आपको कि 7, 11, 13 के कंबाइंड, यानी कि सबका एक ही नियम बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 7 का 11 का और 13 का सबसे इंपॉर्टेंट है, 7, 11, 13 का। ठीक है, चलिए पहले 11 का पढ़ते हैं। 11 क्या कहता है कि सम स्थान पर आने वाले अंकों के योग विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग के बीच के अंतर या तो जीरो होना चाहिए या वो 11 का गुणज होना चाहिए, मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए। आपको तो बात समझ में आई नहीं होगी अभी, मैं एक बार और समझाता हूं। सम स्थान कौन से होते हैं? जैसे 2, 4, 6 स्थान की बात की गई है यहां पर, और विषम स्थान कौन से होते हैं? 1, 3, 5 अंकों का स्थान क्या होता है? जैसे मैं अगर इधर से बात करूं तो ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये नंबर भी डाल रखे हैं ना नीचे मैंने। तो देखिए, जो सम स्थान है, सम कौन से हैं? एक तो ये है सम, एक ये है सम, एक ये है सम। सम मतलब स्थान, 2, 4 यानी दूसरे, चौथे और छठे नंबर पर कौन कौन से नंबर आते हैं? 5 आ गया और 3 आ गया, एक बार और लिखता हूँ, 5 आ गया, 3 आ गया और 6 आ गया। देखो नीचे लिखा हुआ भी है,
कि भैया सम स्थान पे कौन कौन से आते हैं, 5, 3, 6 आ गए यहाँ पे, और विषम में कौन से आएंगे, जो बच रहे बच गए, बचे हुए कौन से हैं, 4, 2, 1, 7, इन्हें जोड़ के कितना आ रहा है 14, और इन्हें जोड़ के कितना आ रहा है 14। और नियम क्या है, नियम सुन लो, अब नियम ये है कि इनका जो अंतर है दोनों का, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 11 से कटना चाहिए अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 14 माइनस 14, 0। इसका मतलब ये जो मेरा नंबर है ये 11 से कट जाएगा। बात समझ में आ गई, एक बार फिर बता दूं कि ये नंबर 11 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इनका अंतर है वो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। इतनी बात क्लियर होगी, बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं और मैं इसका एक और तरीका आपको 11 वाला बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लो पहले, फिर 7 से डिविजिबिलिटी वाला रूल भी बता देंगे वीडियो में आगे ही, बने रहिए ना पूरी वीडियो में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती, आपको बताना है कौन सी संख्या विभाजित नहीं होती। बात समझ में आ गई। चलिए वीडियो, मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए क्या नियम बताया था मैंने 3 से, कि अंकों का योग 3 से अगर कटता है तो नंबर कटेगा और नहीं कटता है तो नहीं कटेगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, कमेंट करते रहें। देखिए इसमें कौन सा आंसर सही है मैं आपको बताता हूं। 3 से अगर चेक करना है तो पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने 9 वाले में बताया था पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए ये 3 तो 3 से कट जाएगा, ये वाला 3 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 4 और 2 को आप जोड़ोगे 6 तो वो भी 3 से कट जाएगा, यानी कि ये तो कट रहा है 3 से, लेकिन हमें बताना है कौन सा नहीं कटता, कौन सा नहीं कटता। ये देखो 8, देखो 8 और 5 पूरा भी जोड़ सकते हो, अलग अलग भी जोड़ सकते हो, एक ही बात है। 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 1 16, 16 और 2 18, 18 तो कटता है 3 से, यानी कि ये पूरा नंबर हमें मतलब 3 से कट जाएगा, बट हमें चाहिए जो नहीं कटेगा, है ना। अगला देखते हैं, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 4 23, और 7 30, ये भी 3 से कट जाएगा, मतलब हमें ये भी नहीं चाहिए। 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 3 32। क्या 32 3 से कटता है, आप कहोगे नहीं कटता, इसका मतलब ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। जितने लोगों का डी आंसर है बहुत बढ़िया, वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, तो मैंने क्या नियम बताया था 4 का। ये क्वेश्चन वो हैं जो UP SSSC में आए हुए हैं, ठीक है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस ही लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए वही चीज कराई जा रही है। आपका काम सिर्फ इतना है कि नोट्स बना लें, नोट्स बनाने का काम जरूरी है, PDF भी मैं दूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है अगर तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है, टाइम पास करना है, तो आपको मैं PDF दूंगा। आपके फोन में वो PDF पड़ी रहेगी, आप एक बार खोलोगे, दूसरी बार खोलोगे, फिर नहीं खोलोगे। नोट्स बनाओगे तो आपके अपने रहेंगे, हमेशा आपके हाथ से लिखे हुए आपके पास रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि GS की क्लास, हिंदी की क्लास और मैथ की क्लास, नोट्स अगर आपने बना लिए तो एक ही बार एक चीज़ पढ़नी होगी, बार बार आपको नहीं पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा से सी टिक करोगे, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट चेक करोगे बस, जो 4 से कट जाएंगी वही आपका आंसर होगा। तो 96 तो 4 से कट जाता है, तो आपका आंसर सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतया कटती है, 6 का नियम मैंने आपको बताया था। चलिए पहले आप इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, मैं आपको समय दे रहा हूँ, 6 में से इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताएंगे। तो आपके सामने आएगा कि 6 का नियम था, जो 2 और 3 दोनों से कटता है वो आपका होता है 6 से कटने वाला। तो 2 का नियम लगा दो और 3 का नियम लगा दो, पहले 2 का नियम लगा दो, आसान है भाई, लास्ट जो है आपका सम संख्या होनी चाहिए, तो सम संख्या तो 1 में ही है, तो 3 का नियम तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, जब 4 में से एक ही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। नहीं तो इसी के अंदर आप 3 वाला नियम लगाओगे, जोड़ के देखोगे, 7 और 8 15, 15 5 20, ठीक है, 15 और 5 20, और 3 23, और 4 27, क्या 27 आपका 3 से कटता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कटता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, क्या क्वेश्चन है, 7 वाला। तो 7 वाला तो हमने आपको बताया नहीं है, पहले अगला क्वेश्चन करेंगे, फिर 7 वाला आपको पूरी तरीके से समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो 11 वाला नियम कौन सा बताया था, जरा रिकॉल करो माइंड में, कि सम संख्या पर सम
स्थान पर होने वाले नंबर और विषम स्थान पर होने वाले नंबर को अलग अलग निकाल के जोड़ लो, फिर दोनों को घटा दो, ठीक है। नहीं तो मैं आपको एक तरीका और आपको बताता हूँ, वो तरीका क्या है, तरीका देख लो। पहले नंबर को ऐसे लिख लो, एक तरीका और बता रहा हूँ मैं आपको, पहले नंबर्स को ऐसे लिख लो। ये नंबर कितने हैं, दो दो के पेयर बनाने हैं आपको, पेयर नहीं बन रहा तो जीरो लिख दो। दो दो के क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं आपको, जोड़े बनाने हैं, युग्म बनाने हैं, ठीक है। इधर से या इधर से आप अपना घटाना शुरू कर दो, दो दो अंकों को घटाना शुरू कर दो, दो दो संख्या को घटाना शुरू कर दो। वो क्या आएगा कि भैया जीरो में से पाँच घटा, या इधर से घटा लो ना, इधर से आसान है, कहीं से भी घटा सकते हो, वही आंसर आएगा। नौ में से आठ घटा कितना बचा, प्लस का वन। सात में से छः गया कितना बचा, प्लस का वन। और पाँच में से जीरो गया कितना बचा, पाँच। एक बार फिर से देख लो, समझ में आ गया होगा कि 11 से कौन सा पूर्णतः विभाजित हो जाता है। हमने क्या लिया, पाँच से सात, आठ नौ सात। अच्छा एक नंबर और रह गया, अभी एक नंबर और रह गया, फिर से लिखते हैं इसको, फिर से करते हैं, यही वाला कॉन्सेप्ट फिर से करना है। 5, 6, 7, 8, 9, 7 पेयर तो देखो बने बनाए हैं ना अपने आप। एक बार फिर समझा रहा हूँ, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे फाइनली क्या है। पेयर बना लोगे, इधर से घटाना शुरू कर दो, इधर से घटाना शुरू कर दो। पेयर मैंने जीरो इसलिए लगाया था, अगर एक नंबर कम भी तो हो सकता है, छः की जगह पाँच नंबर हो सकते हैं, तो पाँचवें नंबर या छठा नंबर करने के लिए आप जीरो लगा दोगे। अच्छा सात में से नौ गया कितने बचे, माइनस का दो। आठ में से सात गया कितने बचा, प्लस का वन। छः में से पाँच गया कितना बचा, प्लस का वन। इन सबको जोड़ो, अब कितना आया, जीरो। तो मैंने यही बताया है कि पेयर बना के डिफरेंस चेक कर लो, वो जीरो आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 आ जाओ, 22 आ जाओ, मतलब 11 से कटना चाहिए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, तो आपका आंसर ही निकल के आ गया ए। पांचवे ऑप्शन का, पांचवे क्वेश्चन का आंसर ए निकल के आ चुका है, ठीक है। एक बार अगला ऑप्शन चेक कर लो, 4, 6, 4, 7, 9, 8 पेयर बना लो, दो दो के पेयर बना लो, दो दो के। बहुत अच्छा नियम बता रहा हूँ मैं, रूल अच्छा है बिल्कुल ये। आठ में से नौ गया कितने बचे, आप कहोगे माइनस का एक। सात में से छः गया कितने बचे, प्लस का वन। और छः में से चार गया कितने बचे, छः में से चार गया बचे आपके दो। छः में से चार गया आपके दो बचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, कि आठ में से नौ गया माइनस का वन, सात में से छः गया प्लस का वन, छः में से चार गया प्लस का दो। तो इन सबको ऐड करो, 2 + 1 = 3, 3 में से वन गया 2। मतलब ये है कि ये नंबर जो आया है निकल के, यानी जोड़ना था इसको, जोड़ के जो आया है दो, वो आपका डिविजिबल नहीं है 11 से, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा 11 से। बात समझ में आ गई, इसको भी चेक कर लो, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन ए आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 6, 7, 8, 9 संख्या इधर लिख लेता हूँ, 6, 7, 8, 9 और फिर फिल इन द ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, में से कौन सी संख्या रखें कि संख्या 6 से विभाजित हो जाए। भैया कौन सी संख्या रखें कि वो संख्या 6 से विभाजित हो जाए। तो 6 से विभाजित होने का नियम है कि या तो एक तो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। और 2 का नियम क्या कहलाता है कि यहाँ जो है ना यूनिट डिजिट पे, इकाई के अंक पे सम संख्या होनी चाहिए। सम मतलब इवन नंबर। तो पहले तो ऑप्शन चेक कर लो, इवन कौन सा है, ये 9 तो आ ही नहीं सकता ना यहाँ पे, 3 आ ही नहीं सकता यहाँ पे, या तो 6 आएगा या 8 आएगा। भाई लिख लूँ, या तो 6 आएगा या फिर 8 आएगा, इनमें से एक ही तो ऑप्शन सही होगा। अब 3 वाला नियम लगा दो इसमें। 3 वाला नियम क्या है कि 6 + 7 + 8 + 9। एक बार 6 से ट्राई कर लो, नहीं तो फिर दूसरी बार 8 से ट्राई करेंगे। 6 और 7 कितने हो गए, 13। 13 और 8 21, 21 और 9 30, और 6 36। तो क्या 36 3 से कटता है, आप कहेंगे बिल्कुल कटता है, तो आपका आंसर ही आ गया, 6 आएगा यहाँ पे। क्या आएगा, 6 आएगा यहाँ पे, समझ में आ गया, तो आंसर आ गया 6। 8 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक ही तो आंसर सही होगा। फिर भी आप 8 रख के ट्राई कर लो, और जब आप इसे ऐड करोगे तो कितना, 2 और बढ़ गया ना, तो 38 हो गया, तो 3 से तो नहीं कटता ये। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन 6 से डिविजिबिलिटी रूल आपको कहीं मिलेगा नहीं नॉर्मली, आपको नॉर्मल 6 से डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन आ गया। तो यही है कि 2 और 3 के दोनों के नियम आप चेक कर लो। अगला सवाल बहुत ज़रूरी, 4, 5, 2, 3, 1, 6 और आगे क्या लिख दिया हमने, फिल इन द ब्लैंक, ये हैशटैग लगा दिया, जगह बना दी, फिल इन द ब्लैंक लिख दिया हमने। यहाँ क्या आएगा, ये पूछा है कि यहाँ क्या आएगा, दिया है कि ये नंबर 11 से विभाजित है। भाई हमें बताया है कि ये 11 से विभाजित है, तो जब 11 से विभाजित होगा तो उसका क्या नियम बताया मैंने आपको, डिफरेंस चेक करना शुरू कर लो। 4 में से 5 गया माइनस का 1, 2 में से 3 गया माइनस का 1, 1 में से 6 गया
4, 5, 16, अच्छा ठीक है ये बन रहा है, कोई बात नहीं, हम एक संख्या बढ़ा लेंगे ना, संख्या कम हो रही, पेयर ठीक है। अब इसमें क्या आए, एक्स की जगह मैं क्या रखूं कि जो मुझे चाहिए वो बन जाए, एक में से 6 गया कितना बचा, -5 बचा, एक में से 6 गया कितना बचा, -5, तो इतना जोड़ लो कितना आ गया जुड़ के भाई, इतना ही जोड़ लो, पहले कितना आया 5, 1, 6, 1, 7, तो ये माइनस का 7 आ गया भाई। टोटल जीरो करने के लिए यहाँ क्या लिख दूँ मैं, क्या मैं यहाँ 7 लिख दूँ, ऑप्शन चेक कर लो ना आप भाई, क्या मैं यहाँ 7 लिख दूँ, क्योंकि 7 में से जब जीरो जाएगा तो बचेगा प्लस का 7, आपका माइनस का 7, आपका प्लस का 7, और जुड़ गया, फाइनली मिल गया 0, यानी कि ये नंबर 11 से विभाजित। उसने पहले ही कहा था कि ये विभाजित होता है, तो होता है, तो हमने नियम लगा दिया उसका, 7 लिख दिया। अगर 7 की जगह मैं 9 लिख दूँ भाई, 9 लिखूँ तो ये 9 हो जाएगा, जोड़ जुड़ा के 2 आ जाएगा, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, हमने तो बोल रखा है कि ये 11 से विभाजित हो जाता है, पर यहाँ तो ये आएगा 11 से विभाजित नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए 7 आंसर आएगा आपका। ठीक, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला सवाल कहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 9 से विभाजित वाला मैंने आपको कराया भी नहीं है अभी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 5, 4, 3, 2, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक लगा दिया, स्टार लगा दिया, मल्टीप्लाई नहीं है ये, स्टार है। इसमें कहा सवाल में कि ये नंबर जो है 9 से विभाजित होता है, बता रखा है, अगर ये 9 से विभाजित होता है तो स्टार के निशान पे क्या आएगा। 9 से विभाजित होने का नियम सिर्फ इतना है कि बीच में प्लस लगा दो, सबके बीच में प्लस लगा दो और ऐड कर दो, कितना हो गया, 5 और 4 9, 9 और 9 और 3 12, और 2 14, और इसको जोड़ लो 14 और 7 21, 21 प्लस। अब सवाल है कि यहाँ क्या लिखूं कि ये पूरा नंबर 9 से विभाजित हो जाए भाई, यहाँ क्या लिखूं कि ये पूरा नंबर 9 से विभाजित हो जाए, तो आप कहेंगे कि यहाँ मैं 6 लिख दूँ, यही तो आएगा कि भाई अगर 6 लिख दोगे यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा, जो कि 9 से विभाजित हो जाता है, तभी तो पूरा नंबर 9 से विभाजित होगा। तो इस केस में आप क्या करोगे कि 6 आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, 6 आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए पहले आगे बढ़ने से पहले एक 7 वाला डिविजिबिलिटी रूल और पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, पहले 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल 7 का पढ़ने के दो नियम है, सबसे पहला तो है अगर नंबर छोटा है, अगर नंबर छोटा है, देखिए इकाई का अंक को 2 से गुणा करके बची हुई संख्या में से घटा दो, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी अगर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि इकाई का अंक को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, इकाई का अंक क्या है यहाँ पे, ये तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया, 6 आ गया। अब बचा हुआ नंबर, बचा हुआ कितना बचा, 34 ही तो बचा, 34 में से ये 6 घटा दो तो ये कितना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार नियम को फिर से पढ़ना, कितना बचा, 34 में 6 गया, 28 बचा। अब मुझे चेक करना है स्टेप नंबर 3 कि क्या 28 7 से विभाजित है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, तो आपका 343 भी 7 से विभाजित होगा। नियम समझ में आया, एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना, नियम है जैसे लिखा है 573, मुझे चेक करना है 573 7 से विभाजित होता है या नहीं। पहला स्टेप, यूनिट डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 6, बचा हुआ नंबर में से इस 6 को घटा दो तो कितना है, 51। क्या ये 51 7 से विभाजित होता है, आप कहेंगे नहीं होता है, तो 573 भी 7 से विभाजित नहीं होगा, समझ में आ गया। लेकिन ये जो नियम है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक नंबर आ जाए 8, 9, 7, 5, 3, 5 अंकों का या 6 अंकों का बड़ा सा नंबर अगर आ गया, तो क्या ये फॉर्मूला उसमें लग पाएगा, भाई पहले 3 को दुगना कर दो 6, फिर आप इसमें से घटाओगे तो फिर तो ये बहुत लंबा हो जाएगा ना, इससे अच्छा तो 6 ही कर लेंगे मल्टी डिवाइड करके, नहीं हो पाएगा। इसलिए एक और नियम मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोनों नियम बहुत जरूरी हैं, एक और नियम क्या आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सवाल है कि निम्न में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो 7 से विभाजित होने का आपको नियम पता होना चाहिए। नियम सिर्फ इतना है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ आपके सामने, एक ये वाला लेता हूँ, चलिए इसका 85212 ले लिया मैंने। क्या करना है, तीन तीन के पेयर बनाने हैं, तीन इधर ले लो, तीन इधर ले लो, अब इधर तो 3 है ही नहीं डिजिट, इधर 0 बढ़ा लो भाई, 6 में से 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, इतनी समझ में आ गया। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, अंतर, इन दोनों का क्या ले लो, अंतर ले लो भाई, बड़ा आसान हो जाएगा। 212 में से अगर मैं 85 घटाता हूँ तो 12 में से 5 गया 7 बचे,
उसके बाद 20 में से हट गया 12 बजे, ठीक समझ में आई। अब मुझे चेक करना है क्या 127 सात से कटता है, आप कहेंगे नहीं कटता है तो आपका आंसर ये नहीं है, क्योंकि आपको चेक करना है कौन सा नंबर सात से कटता है। अब जल्दी से वीडियो पॉज करके आप बताइए कि कौन सा इन बच्चों में से, इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है। अगला मैं चेक करता हूँ आपके सामने, 8 7 6 5 4 तीन का पेयर ये बनाया, जीरो बढ़ाया, तीन का पेयर ये बढ़ाया, 654 में से 87 को माइनस कर दो, ठीक है, 14 में से सात गया सात बचा, उसके बाद ये क्या बचा, 14 में से 8 गया 6 बचा, इधर 5, क्या ये नंबर 7 से कटता है चेक कर लो, 7 से कट रहा है, 7 8 56 7 बन जा 7, बिल्कुल कटता है, 7 से कटता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही। भाई जब इन दोनों का डिफरेंस एक बार फिर आप समझो, बड़ा आसान है करना, कितनी आसानी से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये तीन डिजिट और यहाँ जीरो बढ़ा के ये तीन डिजिट, अगर इन दोनों का अंतर 7 से कटता है तो पूरा नंबर 7 से कटेगा, और अगर नहीं कटता है तो नहीं कटेगा। बात समझ में आ गई है या नहीं है, जल्दी से बताइए कमेंट करके कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी से बताइए। चलिए इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और कल हम रिकरिंग डेसिमल पढ़ेंगे, रिकरिंग डेसिमल। अब आप कहेंगे रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, तो वो है आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव, ठीक है। इसके दो तीन टाइप होते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे एग्जाम में वो भी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको मुझे ये बताना है अभी वीडियो के कमेंट में, जब वीडियो कंप्लीट आपने देख लोगे, कि क्या आपको ये जो हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए, विभाज्यता के नियम पढ़ाए, यहाँ पे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, क्या ये पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हैं? अगर क्रिस्टल क्लियर हैं तो आप वीडियो के कमेंट में यस लिखेंगे दैट यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया। आगे और पढ़ेंगे, इसके आने वाले जो और चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता दूं, संख्या पद्धति में आगे आने वाले टॉपिक्स हैं, इकाई का अंक निकालना एक नंबर का जरूर आता है, उसके बाद आता है शेषफल निकालना, शेषफल निकालना, ये दो टॉपिक ऐसे बचे हैं, इनको दो पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि 5 से 6 पार्ट में हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही आराम से। फिर आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और मैं आपको एक PDF दूंगा जिसमें ये सारे क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसमें आप अगर लिख के भेज देंगे मुझे कि दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लेखपाल, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ग्रुप में जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।